भी बस को निकाल देते हैं। और क्या आपने कभी ऐसे रोड को देखा है जिस रोड पर गाड़ियां जाती हैं उसमें से ज्यादातर गाड़ियां नदी में ही गिर जाती हैं और फिर गाड़ी में बैठा व्यक्ति गाड़ी से बाहर भी नहीं निकल सकता। आखिर ऐसा क्यों? इसके बारे में आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के टॉप 10 मोस्ट डेंजरस रोड्स की लिस्ट लेके आया हूं, जिन डेंजरस रोड्स के बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और गाइस इन्हीं टॉप 10 मोस्ट डेंजरस रोड्स की लिस्ट में हमारे इंडिया के भी मोस्ट डेंजरस रोड्स शामिल हैं, जिन रोड्स पर दुनिया का कोई भी ड्राइवर गाड़ी चलाने से भी डरता है। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, टॉप 10 मोस्ट डेंजरस रोड्स इन द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 10 पर है पैसेज डू गोज फ्रांस। 5 किलोमीटर लंबा ये रोड मेन लैंड को एक आइलैंड से जोड़ता है, जो कि ये रोड समंदर के बीचों बीच से होकर जाता है। और ये रोड कोई ऐसा नहीं है जिसे किसी ब्रिज पर बनाया गया हो जिसके नीचे से समंदर का पानी निकल जाए। ये रोड समुद्र में ही बनाया गया है, जो कि दिन भर में 2 बार समुद्र के पानी में ही डूब जाता है, क्योंकि पानी का बहाव जब बढ़ने लगता है तो पानी रोड के ऊपर से जाने लगता है, जो कि रोड के ऊपर जाने वाले लोगों के लिए बेहद ही खतरनाक हो जाता है। इसके ऊपर पानी होने की वजह से रोड सही से दिखाई भी नहीं देता है, जिससे गाड़ी रोड के नीचे उतर जाती है और समुद्र में जा गिरती है। नंबर 9 पर है चिल्स क्रॉसिंग ऑस्ट्रेलिया। ये रोड रिवर के बीचों बीच से होकर गुजरता है और ज्यादातर ये रोड इस रिवर के पानी में ही डूबा रहता है। इस नदी के पानी का बहाव तेज होने की वजह से बहुत सी गाड़ियां इस नदी में ही गिर जाती हैं। और गाइस ये रोड तो डेंजरस है ही, अगर आपकी गाड़ी इस नदी में गिर गई तो आप अपनी गाड़ी से भी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि ये नदी खतरनाक मगरमच्छों से भरी पड़ी है, जो कि इसी फिराक में बैठे रहते हैं कि कब उनका शिकार गाड़ी से बाहर निकले और वो उस पर हमला करें। ऐसे में आपके पास हेल्प का वेट करने के सिवाय और कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। जब तक आपके पास कोई हेल्प नहीं पहुंच जाती तब तक आप गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते, जिसे आने में कभी कभी घंटों भी लग जाते हैं। नंबर 8 पर है तियानमेन माउंटेन रोड चाइना। ये रोड 11 किलोमीटर लंबा है लेकिन इसका एंड 1100 मीटर की ऊंचाई पर खत्म हो जाता है। इस रोड पर ड्राइव करते समय आपको 99 यूटर्न्स मिलेंगे, जो कि बेहद ही खतरनाक है। इस सड़क पर ड्राइव करने का मतलब अपनी जान को हथेली पर रख के चलने जैसा है। वैसे इस सड़क के किनारे पर बैरियर्स को तो लगाया गया है, लेकिन अगर आपके गाड़ी की स्पीड ज्यादा होती है तब तो आपको नीचे गिरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। नंबर 7 पर है अटलांटिक ओशियन रोड नॉर्वे। 8 किलोमीटर लंबा ये हाईवे अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच बनाया गया है, जो कि ये रोड ना जाने दिन भर में कितनी बार समुद्र की लहरों से धुल जाता है, क्योंकि समुद्र की लहरें इतनी तेजी से ऊपर उठती हैं, जो कि ऊपर इस रोड से भी जाके टकरा जाती है। और कई बार तो ये लहरें हाईवे पर चल रही गाड़ियों से तक टकरा जाती है। बहुत सारे लोग इस हाईवे पर अपनी गाड़ी रोक कर फोटो क्लिक करते हैं, लेकिन इस रोड पर चल रही तेज हवाएं और समुद्र की लहरें उन्हें ज्यादा देर तक रुकने नहीं देती हैं। नंबर 6 पर है डल्टन हाईवे अलास्का। अमेरिका का ये हाईवे पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है, जिससे हाईवे पर चलने वाली गाड़ियां फिसलती रहती हैं। कहा जाता है कि जो ड्राइवर इस रोड पर ड्राइविंग कर सकता है वो दुनिया के किसी भी रोड पर ड्राइविंग कर सकता है। 414 मील लंबे इस हाईवे के चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ी होती है और इस रोड पर सिर्फ 3 ही गाँव आते हैं, उनमें भी बस कुछ ही लोग रहते हैं। अगर रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है या उसका फ्यूल खत्म हो जाता है तो आप तक हेल्प पहुंचने में 1 से 2 दिन तक का समय लग सकता है, और कभी कभी तो हेल्प पहुंचने में 1 सप्ताह तक का समय लग जाता है अगर बर्फीली तेज हवाएं चल रही हो तो। नंबर 5 पर है जोजिला रोड लद्दाख इंडिया। गाइस इंडिया का ये रोड दुनिया के मोस्ट डेंजरस रोड्स में से एक है, जिस रोड पर जाने से भी लोगों को डर लगता है। ये रोड समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और ये कहीं कहीं से तो इतना पतला है जहां से एक कार भी नहीं निकल सकती है। और सर्दियों के समय रोड पर बहुत सारी बर्फ भी जमा हो जाती है, जिससे रोड पर और भी ज्यादा फिसलन हो जाती है और फिर ये रोड और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर कोई भी कार या बाइक यहाँ से जरा भी फिसली तो वो सीधा नीचे गहरी खाई में जाके गिरेगी। नंबर 4 पर है फेरी मिडोज रोड पाकिस्तान। दुनिया का 9वां सबसे ऊंचा माउंटेन नांगा फेरी से गुजरने वाला ये रोड इतना खतरनाक है कि अगर कोई रोड से नीचे की तरफ ही देख ले तो ही उसे चक्कर आने लगेंगे। ये रोड समुद्र तल से 10,826 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। इस रोड पर किसी भी तरह के कोई भी बैरियर्स को नहीं लगाया गया है और ये पूरा रोड पथरीला है, जिससे रोड पर से गाड़ियां फिसलने का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस रोड पर एक बार में सिर्फ
एक ही गाड़ी गुजर सकती है। इस रोड को यहाँ के स्थानीय लोगों ने पहाड़ को काट काट करके खुद ही बनाया था और तब से लेकर अब तक इस रोड को एक भी बार रिपेयर नहीं किया गया। नंबर 3 पर है किश्तवाड़ रोड इंडिया। ये रोड दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक रोड है। समुद्र तल से 2000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस रोड को पहाड़ों को काट काट करके बनाया गया। ये डेंजरस रोड ऊंचाई से डरने वाले और कमजोर दिल वाले लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ये रोड कहीं कहीं से लैंडस्लाइड की वजह से इतना पतला हो जाता है कि वहाँ से एक बाइक तक सही से नहीं निकल पाती है और कहीं कहीं पर तो इस रोड पर वाटरफॉल्स भी हैं जो कि इस रोड को गीला कर देते हैं, जिससे रोड पर और भी ज्यादा फिसलन हो जाती है, जिससे रोड पर चलने वाले लोगों के लिए और भी ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। और इस रोड को इंडिया में किलर रोड के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 पर है मनांग रोड नेपाल। नेपाल के रोड्स मोस्ट ऑफ द डेंजरस रोड्स में से एक होते हैं, लेकिन यहाँ के रोड्स को मोस्ट डेंजरस रोड्स की लिस्ट में क्यों शामिल नहीं किया जाता इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। नेपाल का ये रोड समुद्र तल से 2329 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। तेजी से चलती ये हवा और बहुत सी जगह से पतला ये रोड बहुत ही खतरनाक है। इस रोड पर सबसे बड़ा खतरा वाटरफॉल्स का है। गर्मियों के समय में ये वाटरफॉल्स इतने बड़े नहीं होते हैं, लेकिन बारिश के समय में इन वाटरफॉल्स से इतना पानी आने लगता है कि वो रोड के किनारे लगे बैरियर्स तक को तोड़ देते हैं और पूरे रोड पर पानी तेजी से बहने लगता है और इन वाटरफॉल्स से ऊपर से किसी पत्थर के गिरने का भी डर बना रहता है। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 डेंजरस रोड के बारे में, जिसका नाम है नॉर्थ यूंगस रोड बोलेविया। इस रोड को द डेथ रोड ऑफ बोलेविया के नाम से भी जाना जाता है। ये रोड पहाड़ों पर होने की वजह से अक्सर यहाँ पर बारिश और फॉग रहता है, जिससे रोड गीला और उस पर बहुत ज्यादा फिसलन हो जाती है और कहीं कहीं पर तो इस रोड पर छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी हैं जो कि तेज बारिश के समय में एक भयानक रूप ले लेते हैं। ये रोड इतना पतला और ऐसा खतरनाक होने की वजह से 300 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। इस रोड पर आपको जगह जगह पर क्रॉस के साइन भी देखने को मिल जाएंगे जो कि इस जगह पर किसी की डेथ हुई है इस बात को दिखाते हैं। यहाँ पर इतने हादसों की वजह से इस रोड को कई बार यहाँ की गवर्नमेंट ने बंद किया, लेकिन इकलौता रोड होने की वजह से इस रोड को वापस से लोगों के लिए खोल दिया गया। तो गाइस ये थे दुनिया के टॉप 10 मोस्ट डेंजरस रोड्स, जिसमें से अगर आपको किसी भी एक रोड पर फ्री में जाने का मौका मिले तो आप वो किस रोड पर जाना चाहेंगे ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे कि उन्हें भी इन टॉप 10 मोस्ट डेंजरस रोड्स के बारे में पता चल सके। और यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो भाई चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे कि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।